नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक मिश्रा। आज आपको बताता हूँ कि रेंटस में किसी नए व्यक्ति को अपने साथ कैसे शामिल करें। सबसे पहले गूगल पे रेंटस लॉगिन सर्च कीजिए, जहाँ आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब आपके सामने रजिस्टर का पेज खुलकर आ गया, जहाँ सबसे पहले आपको स्पॉन्सर आईडी में अपनी IRD डालनी है, जिससे आपका नाम अपने आप शो हो जाएगा। फिर आपको प्लेस अंडर में अगर आपके नीचे किसी की आईडी नहीं है तो अपनी ही आईडी डालनी है, और किसी की आईडी है तो फिर आपको उसकी आईडी लिखनी है। और आपको नए व्यक्ति को चेक करना है कि आपको लेफ्ट में डालना है कि राइट में डालना है, वो आप यहां से सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। और इसके बाद आपको सभी बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे टाइटल में मिस्टर मिसेस लगाकर उस नए व्यक्ति का नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम हो तो मिडल नेम, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल हो तो डालिए वरना कोई बात नहीं है, उसके बाद उसका फ़ोन नंबर जो एक्टिव हो, और उसके बाद उसका पैन नंबर, पैन कार्ड पे जो नंबर होता है वो आपको डालना है, फिर उसकी आइडेंटिटी में आधार कार्ड या वोटर आईडी जो भी उसके पास हो, मेनली प्रीफर करते हैं आधार कार्ड को, तो उसका नंबर आपको टाइप करना है। इसके बाद उसका घर का जो एड्रेस है वो पूरा एड्रेस डालना है, उसके यहाँ का जो कोड है वो टाइप करना है, कंट्री में आपको इंडिया डालना है, स्टेट जो भी हो उसका वो टाइप करना है, सिटी में डालना है। उसके बाद आपको नॉमिनी मतलब ऊपर वाला ना करे, अगर आपको कुछ होता है तो उसकी जो इनकम है वो किसको जाएगी, यहाँ पे आप किसी को भी बना सकते हैं, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपको नॉमिनी का नाम यहाँ पे डालना है, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और नॉमिनी से आपका रिलेशन क्या है, वो आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं या कौन है, वो आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, उसके बाद उसका अकाउंट नंबर टाइप करना है, अकाउंट सेविंग है कि करंट है आपको वो टाइप करना है, इसके बाद उसका IFSC कोड आप टाइप करेंगे, और जैसे ही आप IFSC कोड टाइप करते हैं आपके पूरे बैंक की जो बाकी की डिटेल्स हैं वो अपने आप फिल हो जाएगी। और सबसे आखिर में जाके आप एक यूज़र नेम डालें जो उस इंसान को याद रहे जो आपके साथ आ रहा है इस फैमिली में, एक पासवर्ड डालें, वो पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, आप उसका फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं जो भी उसको याद रहे, वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, और नीचे कन्फर्म पासवर्ड में वो सेम पासवर्ड डालकर रजिस्टर पर क्लिक कर दें। वो क्लिक होते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट वाला पेज खुल जाएगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर उस व्यक्ति को व्हाट्सएप या फेसबुक के द्वारा सेंड करते हैं जिसका आपने रजिस्ट्रेशन किया है। तो यहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। इसके बाद एक काम बचता है KYC का, तो वो कंप्लीट करने के लिए मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाकर KYC को कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी टीम के साथ, ताकि वो लोग भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसानी से कर पाएँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।